सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि हिंदी क्रॉसवर्ड पहेली को हम किस तरीके से खेल सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी क्रॉसवर्ड पहेली के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए फ्रेंड्स, जैसे आकाश है, आकाश से रिलेटेड कोई वर्ड है जो है गगन है, आकाश को गगन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इसके अंदर शब्द का खेल होता है इसके अंदर फ्रेंड्स। इसके अंदर मेन तो एक फ्रेंड्स हिंदी है। मैं इस आज इसलिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि काफ़ी मैंने अक्सर में देखा फ्रेंड्स ये पेपर में पहेली आती है पर लोगों को मालूम नहीं होता कि फ्रेंड्स इसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। और हिंदी इससे मेन मकसद मेरा मेन मकसद ये है कि हिंदी को बढ़ावा देना फ्रेंड्स। हिंदी में मतलब कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, काफ़ी लोगों को हिंदी में काफ़ी अर्थ मालूम नहीं होते जिससे कि हिंदी को ये स्ट्रांग हो सकती है। जिनकी हिंदी स्ट्रांग है वो आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं बताऊंगा कि इसे किस तरीके से खेलते हैं फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक मेन बात और फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स ये सिखाए मतलब अपने दोस्तों को बताइए कि ये किस तरीके से ये हिंदी क्रॉसवर्ड पहेली हम खेल सकते हैं फ्रेंड्स। जितने से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक जाएगा और हिंदी क्रॉसवर्ड पहेली के बारे में लोग जान पाएंगे और इन्हें खेल पाएंगे और हिंदी को बढ़ावा भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले इसके अंदर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जैसे सुडोको में होती है फ्रेंड्स। इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फ्रेंड्स इसमें जवाब देना होता है। जैसे एग्जांपल फॉर जैसे बालक, बालक बालक में एक अर्थ लड़का भी होता है, फिर इसी में बहुत सारे अर्थ होते हैं, वही इन्हीं में डालना होता है जो सवाल पूछा गया होता है। जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ, जैसे फ्रेंड्स ये तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर इस वाले जवाब इस खाने में आएगा। और फ्रेंड्स और ये जो आपको दिख रहा होगा ना पाँच, इनको पाँच खानों में जवाब देना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। छिड़को आना, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना या वर्षा कराना, इसका फ्रेंड्स होता है बरसवाना। ये फ्रेंड्स जिसकी हिंदी जिसकी स्ट्रांग है उसे ये सारे कंप्लीट कर सकता है। इसमें भी मेरे को सारे जवाब नहीं आते, कुछ कुछ आते हैं। जैसे फ्रेंड्स अब मैं आपको ये और एक चीज़ का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, जैसे अब ये बाएं से दाएं मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ये जवाब देना था। अब जैसे फ्रेंड्स अब ये इसमें देख लीजिए ऊपर से नीचे मतलब अब फ्रेंड्स अब आपको इस वर्टिकल लाइन में आपको जवाब देना होगा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, सदा हमेशा। अब फ्रेंड्स इसमें अब हिंदी में इसी में दूसरा मतलब और कौन सा हो सकता है, सर्वदा एक होता है फ्रेंड्स, उसे भी सदा हमेशा ही कहते हैं पर उसका दूसरा अर्थ सर्वदा हमेशा, सर्वदा। अब फ्रेंड्स आपको पांचवे का जवाब देता हूं। पांचवे का जवाब फ्रेंड्स ये है, नामाजगी, नाम लिखा जाना, पंजी में लिखा जाना। फ्रेंड्स इसका होता है नामांकन, नामांकन। ये भी फ्रेंड्स आपको चार बक्से में जवाब देना है, नामांकन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको दो चार बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स इसके अंदर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में जवाब देना होता है। इसके अंदर जो एक शब्द का अर्थ होता है उसी तरह और भी मतलब उसी से मिलता हुआ शब्द आपको यहाँ लिखना होता है। और इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो शब्द जो उसी जितना वर्ड्स में लिखे हैं, जैसे पांच वर्ड्स में यहाँ तीसरे में लिखा था तो उसे पांच वर्ड्स में ही उसे जवाब देना है। और इस बात का ध्यान रखें जैसे बरसवाना। अब फ्रेंड्स अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चौथा, यहाँ फ्रेंड्स आपको ये चौथा दिख रहा होगा, इस जो चौथे में
स आ गया यहाँ पर पहले, बरसवाना। तो इसके अंदर अब इस बात ये चीज हो गई कि ये स से ही नाम कोई शुरू होगा, तो ये हो गया सर्वदा। और ये जैसे बरसवाना, बरसवाना हो गया फ्रेंड्स। अब जैसे यहाँ पे ना है, अब ना और इसके अंदर देखिए नमाजी, नाम लिखा जाना, पंजी में लिखा जाना, ये फ्रेंड्स नामांकन जैसे हमने लिख दिया। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये अब ना से ही नाम इसका शुरू होगा, इसलिए यह थोड़ा आसान हो जाता है कि जैसे आप कोई एक वर्ड लिख लेते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स अब एक 12वें का एक जवाब देख दिखाता हूँ, 12वें का भी मेरे को मालूम है। इसका फ्रेंड्स है तकलीफ देने वाला, दर्द देने वाला, पीड़ा दायक। और फ्रेंड्स इसका एक और अर्थ होता है दर्दनायक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा दर्दनायक, दर्दनायक, दर्द नायक या दर्दनाक। हाँ दर्दनाक, वो तो 5 वर्ड्स का हो जाएगा दर्दनाक। अब फ्रेंड्स इसमें आपको मैं 70वें का आंसर दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अब मैं जो 70वें का जवाब दूंगा उसमें लास्ट में ना ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 17वां ये रहा, धुंध खींचना, चिलम का कश लेना, मतलब इसका होता है फ्रेंड्स दम लगाना, दम लगाना। ऐसे इसका फ्रेंड जवाब देना होता है। मेरे को भी इन सब में साथ के जवाब नहीं पता, जिन जिन के पता है उनके मैं देन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिनको हिंदी एकदम परफेक्टली आ सकते हैं उसको ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये एक तरह से ये इस हिंदी पजल को किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से इनमें जवाब देना है। फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें फ्रेंड्स उसी से मिलता जुलता वर्ड लिखना होता है, उसी से मिलता जुलता। और जिसकी फ्रेंड्स हिंदी स्ट्रांग है वो इसका जवाब सबके दे सकता है, जिसकी एकदम हमेशा से हिंदी स्ट्रांग रही है, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा रही है, तो जिसकी एकदम हिंदी स्ट्रांग है उनका ये सब जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कोई भी इससे रिलेटेड परेशानी या कोई भी इसमें कोई कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और बताइएगा फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर लेटेस्ट से लेटेस्ट ऐप्स, गेम्स और हर चीज़ की जानकारी मैं लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।